आपको मिलेंगे सबसे सस्ते प्रेक्सो के मोबाइल। मेट्रो स्टेशन की बात की जाए तो इस पीस की बेटी है, ठीक है, ये वीआरपी नंबर आप लोग देख लो लेटेस्ट। हाँ, जीबी भी कुछ भी निकले तो भी आपकी है। कंडीशन आप कंडीशन देखो भाई साहब, 3800 रुपए का E40 है। हाँ, और कहीं से टूटा नहीं, कहीं कुछ नहीं। 5G फोन है, 4700 रुपए। वो C3 आया है S5 के अंदर, 2250 रुपए का। 2250 कंडीशन आप देख सकते हो, 4800। अच्छा, ये तो नया निकला है, बार कोडिंग भी नहीं उतरी इसके ऊपर से। तो मेरे को सैमसंग का आ गया A50 3 के अंदर, S3 रुपए का कर सकता है, क्योंकि पहली बात फ्लिपकार्ट ने रेट भी डाउन कर दिए और दूसरा मैंने आपको इतने सारे मॉडल स्कैन करके करूं तो लैपटॉप कितने से स्टार्ट होते हैं। ये i3 आपका, ये आपके सामने वीडियो कॉल करी जाएगी, पहले आपके सामने सीन दिखाई जाएगी। सबसे पहले तो गाइस ये गेट नंबर 1 है ना, ये दिमाग में बिठा लो, क्यों? क्योंकि आपको मिलेंगे सबसे सस्ते प्रेक्सो के मोबाइल। मेट्रो स्टेशन की बात की जाए तो ये करोलबाग मेट्रो स्टेशन है, गेट नंबर 1 से जैसे ही आप लोग उतरोगे तो आपको मिलेगी ये पूरी की पूरी भीड़। और इस भीड़ के अंदर घूमते हुए आप लोगों को आना कहाँ पे? साहिल भाई के पास। क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई, और सुनो आप कैसे? बहुत बढ़िया भाई, क्या लेकर आ रहे हो आज, नया कुछ बताओ ना। तो दोस्तों फ्लिपकार्ट ने कर दिया रेट डाउन। अच्छा। हाँ, और डील मिलेगी, मतलब बहुत अच्छी। ये तो सारी चीजें हम वेयर हाउस पे जाके करेंगे, थोड़ी लोकेशन समझाते हैं। जैसे गेट नंबर 1 से हम उतरे, मुड़ना कहीं नहीं आप लोगों को, आपको सीधा चलना है, बस चलते हुए आ जाओ। चलो भाई लेके चलते हैं आप लोगों को, ये पूरी की पूरी मार्केट है, ठीक है जी। इस रोड का नाम अजमल खान रोड है, यहाँ से सीधा आप चलते रहोगे ना, थोड़ा सा ही चलना है, ज्यादा नहीं, मंदिर आ जाएगा एक, ठीक है। आज जल्दी जल्दी ये है हनुमान मंदिर, यहाँ से इसके ये है भाई हनुमान मंदिर, ठीक है जी। हनुमान मंदिर से थोड़ा सा आगे चलोगे आप, उसके बिल्कुल सामने बैंक ऑफ बड़ौदा आ जाएगा। ये हनुमान मंदिर और उसके बाद की बिल्डिंग बैंक ऑफ बड़ौदा आ गया, ठीक है। ये सामने वाली गली है, इसके सामने वाली ये बैंक ऑफ बड़ौदा, इसके ठीक सामने आपको एक गली दिखने वाली है जिसके अंदर आप लोगों को जाना है। ये गली आप देखो, ठीक है जी। इस गली में जैसे कि थोड़ा सा आप लोग अंदर आओगे तो आप लोगों को बिल्डिंग दिख जाएगी। किस नाम से बिल्डिंग है भाई वाली? मागो चैम्बर के नाम से। एड्रेस भी लिख रहा है पूरा 17, ठीक है जी। एक बार मैं आप लोगों को क्लियर दिखा दूं कि कौन सी बिल्डिंग है ये, मागो चैम्बर। इसमें कौन से फ्लोर पे जाना भाई? फोर्थ फ्लोर पे आ जाओ, इसमें सीधा फोर्थ फ्लोर पे चलते हैं। फाइनली आ गए हम वेयर हाउस के अंदर, आप लोग देख लो एड्रेस वगैरह सब आपको समझ भी आ चुका होगा कि गेट नंबर 1 से आपको जैसे सीधा आओगे थोड़ा आगे आते हनुमान मंदिर मिलेगा, उसके सामने बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा के सीधा लाइन में आप लोगों को ये वाली बिल्डिंग दिख जाएगी और आप लोगों को एक्सप्लोरिंग डिवाइस मिल जाएगा 3rd फ्लोर पर, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को आना, सॉरी 4th फ्लोर पे आपको मिल जाएगा एड्रेस पूरा 17A/9, ठीक है जी। ये पूरा का पूरा एड्रेस है करोलबाग न्यू दिल्ली 0005, ठीक है। ये एड्रेस रहने वाला है, बैंक अकाउंट नंबर ये रहने वाला है, कभी पेमेंट करो तो इसी नंबर पे करना, नहीं तो मत करना, ठीक है। बाकी वीडियो कॉल एक बार कर लेना। तो भाई क्या हाल है, नीचे से ऊपर आते हुए सांस फूल जाता ना थोड़ा, ठीक है भाई। क्या नया कुछ स्टॉक आया? देखो अब तो सभी के पास आ रहा है, आपको भी पता है जैसे कि, तो कोई पेटी वेटी खोलोगे आज? हाँ पेटी भी खोलेंगे, आपको स्टॉक दिखाएंगे भी कैसा निकला है और रेट तो जैसे कि आपको पता ही है कि फ्लिपकार्ट ने रेट डाउन कर दिए है, सही बात है। और डील भी बहुत अच्छी मिल रही है। हाँ। अब प्लस वाला खत्म हो गया, जैसा बीच में प्लस प्लस चलने लग गया था ना, रेट कार्ड से प्लस पे बिलिंग हो गई, प्लस नहीं मिलेगी, प्लस नहीं मिलेगी माइनस में मिलेगी, लेकिन क्वांटिटी के ऊपर है। कहीं आप आ रहे हो, आप बोल रहे हो कि 5 फोन दे दो तो फिर डील नहीं बनती वो वाली ना। हाँ, अगर जैसी आप आपकी तो अच्छा प्राइस मिल जाएगा, जैसी आपकी क्वांटिटी रहेगी उस हिसाब से डील मिलेगी, उस हिसाब से डील मिल जाएगी, ठीक है। और भाई मैंने सुना है कि आपके पास लैपटॉप वगैरह भी आ गया यार। हाँ लैपटॉप, थोड़े से लैपटॉप मंगवाए थे, ये देखो एक पेटी रखी है यहाँ पर, चाहिए पीछे भी रखे हैं, तो वो ले सकता है। लेकिन भाई लैपटॉप के लिए रिपेयरिंग वाला बंदा ही कॉन्टेक्ट करे, क्योंकि इसमें रिपेयरिंग वाले लैपटॉप भी निकलेंगे। अच्छा। जैसे कि आप बॉक्स टू बॉक्स में लेते हो अच्छा भी निकलता है, बेकार भी निकलता है, रिपेयरिंग वाले भी आते हैं, मतलब कुछ फोन वैसे ही लैपटॉप के अंदर भी होगा, कुछ रिपेयरिंग वाले लैपटॉप भी निकलेंगे। तो रिपेयरिंग अगर आती है तो ही हाथ डालना, नहीं तो हाथ मत डालना फिर, ठीक है भाई। चलो तो अभी इस टाइम पे कितने बॉक्सेस पड़े हैं अपने पास वीआरपी वगैरह की, अगर बात करें कितनी वीआरपी पड़ी है अपने पास यहाँ पे? वीआरपी तो बहुत सारी हैं, आपको जितनी चाहिए मिल जाएंगी है? और बॉक्स तो कोई गिनती नहीं है भाई। हाँ। आप लोगों के सामने है ही बॉक्स वगैरह, तो एक बॉक्स खोलते हैं ना, स्कैन करते हैं थोड़ा सा कि क्या प्राइस वगैरह निकला है। कौन सा बॉक्स खोलोगे बताओ? जोन सा आप बोलते वही खोल देंगे, सब यार जो मर्जी खोल दो, आजकल तो सबको पता, पर ये दिखा देना प्रॉपर सील होना चाहिए बस। हाँ तो यही खोल देते हैं, ये देखो छोटे वाला बॉक्स खोलते हैं, जैसे सील देख लो, स्टैंप भी लगी हुई है, बताया था नया आ गया ना ये स्टिकर। हाँ ये देखो स्टिकर भी नया आ गया, ये छोटी वाली पेटी खोलते हैं, इसमें कितने पीस हैं? तो वही है, थोड़ा वेयर हाउस का भी फर्क होता है ना। हां हां
ये भी 25 पीस 24 पीस है, 24 पीस की पेटी है, ठीक है। ये वीआरपी नंबर आप लोग देख लो, लेटेस्ट है बिल्कुल, ठीक है भाई। और सील लगी हुई है पूरी, स्टैम्प वगैरह सब चारों तरफ से देख लो आप लोग, सामने से भी देख लो। हाँ, ठीक है जी, आपको साइड से भी दिखा देते हैं, ये देखिए कोई खुला हुआ, ठीक है जी भाई, ठीक है। क्योंकि बहुत से वीडियो में खुला हुआ बहुत दिखा देते हैं ना, लिस्ट चेंज कर देते हैं जैसे हैं, पर यहाँ ऐसा कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं। आप लिस्ट भी देख सकते हो, जो इसमें मॉडल लिखे हैं वही सारे निकलेंगे, ठीक है। यहाँ मॉडल देख लो आप, इसके अंदर 5G मॉडल भी है। हाँ सब है, 5G 4G, ठीक है भाई, खोल दो एक, उसको प्रॉपर स्कैन करके प्राइस के साथ बताएंगे क्या प्राइस वगैरह है। हाँ, एक एक मॉडल का आपको रेट बताएंगे, आपके सामने ही स्कैन कर, मतलब वीडियो में पूरा माल स्कैन करके दिखाएंगे। बड़ी पेटी खोल रहे तो स्कैन पूरा माल हो नहीं पाता ना, सही बात है ये। अब की बार इसलिए हम छोटी पेटी खोल के निकला, पूरा छोटी पेटी में भी यार। हाँ, और डब्बे वाले फोन भी निकले, डब्बा निकले ना निकले तब आपका भाई सब कुछ। हाँ, जैसा भी निकलेगा आप ही का रहेगा। जीबी भी कुछ भी निकले तो भी आपकी है, जैसा भी निकले आप ही का रहेगा। जीबी के ऊपर कोई कम ज्यादा नहीं है भाई, ऐसे तो सब दुकानदार भाई जानते ही है। चार्जर वार्जर कुछ नहीं, बैक पैनल ब्रोकन है, ब्रोकन है, ठीक है, कोई बात नहीं। आपको रेट भी दिखा देते हैं, रेट भी बहुत बढ़िया होगा इसका ना, स्कैन करते हैं। ये हो गया स्कैन, हो गया स्कैन, ये आया है S4 के अंदर, S4 में आया है 6550। ₹5,500 में क्या मॉडल बताओ यार, ठीक है जी। आपको एक और दूसरा दिखा, मोटो का G62 आ गया, 5G फोन है ये भी, आया S4 के अंदर, S4 के अंदर आया, ठीक है। ये देखो भाई साहब, कंडीशन देखो यार, शाइन मार, इसके साथ कुछ नहीं निकला, कोई बात नहीं। पर ये निकला कितना, ₹4,600 का है, ₹4,600 4,600 4,600 का, ठीक है भाई। ये मोटो का ₹3,800 का, S3 के अंदर ₹3,800 का, E40 है, हाँ ₹3,800 का ये निकला, ₹3,800, ब्रांड न्यू कंडीशन निकली यार इसकी तो पूरी। ये S5 में टूटा हुआ भी नहीं है, डिस्प्ले हो जी, डिस्प्ले हो जी, हाँ ठीक है जी, बहुत बढ़िया, नहीं ब्रोकन है यहाँ से, अच्छा ठीक है, इसका ग्लास हो सी होगा, डिस्प्ले इसकी हो जी, ठीक है। S5 में ₹2,600 का, S5 में, ये देखो भाई सब जबरदस्त फोन है यार ये, S5 में है, ₹4,700 का सिर्फ, वाह यार ये ₹4,700 का भाई, कंडीशन देखो, और कहीं से टूटा नहीं, कहीं कुछ नहीं, 5G फोन है, ₹4,700 का, सर कह रहे हैं पीछे से बता दिया करो, S5 में ऐसे भी निकलते हैं, जैसा भी है आप ही के सामने पूरी लाइट, 5G, ठीक है जी। ये आगे 6150, ठीक है जी, कंडीशन आप देख सकते हो, S4 के अंदर है, ऑन भी करके दिखा देते हैं, और डिस्प्ले इसकी OG है, कॉपी डिस्प्ले भी आता है ये, लेकिन पर ये ओरिजिनल है, ठीक है भाई। ये आ गया 5350, ये तो है 53, S2 में तो ओके निकलता है, S2 में कोई दिक्कत नहीं, लेके सीधा बेचना है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं निकलती भाई, क्यों सी S4 में भी अच्छा स्टॉक निकलता है, स्टॉक तो किसी भी ग्रेड में कैसा भी निकल जाता है, S4 में भी आपको बहुत सारे ऐसे हैं जो डायरेक्ट बिक जाते हैं, जैसे कि आपने अभी दिखाया ही था OnePlus का, S4 में निकला एकदम ऑल ओके, 2650 में, ये भी ब्रोकन नहीं है, 2650 का निकला है S5 में, S5 के अंदर, बस हल्का सा ये साइड से रफ है, पता भी नहीं लगेगा जी। 8,000 रुपए का है GT Neo 2, हाँ S4 के अंदर, ओरिजिनल डिस्प्ले है, ओरिजिनल, ऑन करके देख लो, वाह यार ऑन हो जाएगा अगर चार्ज होगा, S5 में 8,000 रुपए का हो गया भाई, डिस्प्ले भी ओरिजिनल है, ठीक है भाई, ओके कंडीशन, ओके कंडीशन है, कोई लाइन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, S4 में ऐसा भी स्टॉक निकलता है, S2 जैसा, ठीक है जी। और फ्लिपकार्ट ने रेट भी सस्ते कर दिए और माल में भी डिफरेंस आया पहले से, जैसे कि आप देख रहे हो, अच्छा आया है भाई, हाँ पोको C3 आया है S5 के अंदर, ₹2,250 का, ₹2,250 का ये फोन है, वाह यार ₹2,250 में ये फोन मिल जाएगा। MI A3 है S4 के अंदर, 3,150, 3,150 का, 3,150, 3,150 का ये फोन निकला है,
3150 रुपए का S4 में A3 है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट होता है इसका। डिस्प्ले इसके OG डिस्प्ले, ठीक है। ये भी S4 में है, 4545 कंडीशन आप देख सकते हो, 4500 रुपए। डिस्प्ले भी खराब नहीं है, ऑन भी कर लिया, डिस्प्ले भी खराब नहीं है, बढ़िया, ठीक है। स्टॉक काफी सही निकल रहा है इस टाइम पहले से। ये है S2 में, Z5 5G फोन होता है ये, 9700 रुपए का। ये बहुत महंगा फोन आता है भाई वैसे ना, गेमिंग फोन होता है, बढ़िया, ठीक है। ये भी देखो बढ़िया फोन निकला एक और, ये S3 8250 रुपए का S3 है, F19 Pro Plus 5G फोन है। ये बहुत बढ़िया फोन है भाई साहब, 5G डिस्प्ले भी ओरिजिनल इसकी है ना। हाँ, S3 में ज्यादातर ओरिजिनल डिस्प्ले आता, बहुत ही कम चांस होता है कॉपी निकलने। अच्छा, ये तो नया निकला है, बार कोडिंग भी नहीं होती इसके ऊपर से। हाँ। ये किस रेट में निकला है? ये 4000 रुपए में, S3 के अंदर 4000 का। वाह यार, इसमें तो कुछ भी परेशानी नहीं। नोट 7 प्रो नया का नया निकला है, ठीक है। गूगल पिक्सल 4 है, ये आया S4 में 4850 में। ये भी ओरिजिनल डिस्प्ले निकला S4 में, कितने का निकला है, 4850 का है। ऑन करके देख लो डिस्प्ले, ठीक है, ओरिजिनल है भाई, ओरिजिनल डिस्प्ले और डिस्प्ले भी ओके, एक भी इशू भी नहीं है डिस्प्ले में। और S4 में निकला है, S4 में निकला, और क्या लोग यार, इसमें बढ़िया मार्जिन निकलेगा। ये है S5 के अंदर, और ये ब्रोकन नहीं है। S5 में किस रेट में निकला है, 2450 रुपए का है, 2450 रुपए का ये फोन निकल गया, ठीक है भाई। ये 2450 का आ गया ये फोन, ये देखो सैमसंग का आ गया, A50 एक ये आ गया, ये है S2 में 5750 रुपए का है। हाँ। ये देखो कंडीशन साफ सुथरा निकले हैं भाई ये सारे। ये इसका बैक पैनल रफ है, S4 में आया 3750 का, और डिस्प्ले ठीक है 3750 का, ठीक है। फोन भी करके दिखा देते हैं, अगर बैटरी चार्ज होगा तो ऑन हो जाएगा। 3750 रुपए का निकला है, ठीक है जी। यार ये दिखाओ यार, ये बढ़िया फोन निकला, दिखाना पिंक कलर का यार, ये देखो यार बढ़िया। इसका रेट भी बता जी, 14 बताओ। ये रहा मारो ना, ये रहा, ये रहा S3 का 3400 रुपए का, बताओ 3400 रुपए में क्या है, बताओ क्या मारा है। और डब्बे के साथ निकला है, ये देखो ऑन भी कर दिया मैंने, डिस्प्ले भी ओरिजिनल है इसकी है, 4128 है, लेकिन GB रैम का कोई रेट नहीं होता, डब्बे पे लिख रहा है तो आपको पता लग रहा है। 3400 रुपए का है, ठीक है भाई, ये 3400 का मिल जाएगा, आगे चलते हैं। और ये Y3, ये S5 के अंदर Y3 S5 2150 का भाई, डिस्प्ले इसकी क्रैक है ऊपर से, ग्लास है, ग्लास ओसी होगा इसका, डिस्प्ले भी शायद इसकी चेंज है मुझे लग रहा है ना। हाँ, डिस्प्ले चेंज है भी तो S5 के अंदर, S5 के अंदर आया हुआ ना, 2150 रुपए में, पर डिस्प्ले ओके है, डिस्प्ले ठीक है। यह है S4 के अंदर, S4 में 2750 रुपए का। हाँ, S4 में 2750 रुपए का, ठीक है। ये इसकी डिस्प्ले ओरिजिनल है, पर इसकी डिस्प्ले ओरिजिनल है, ठीक है। ये भी S4 में, ये भी ये कितने का निकला, ये तो स्कैन ही नहीं हुआ मेरे भाई, स्कैन नहीं हुआ। ₹2500 का बैक पैनल थोड़ा M21 है, ₹2500 का कंडीशन आप देख ही सकते हो, माल कितना सही निकला, आपको ऑन भी करके दिखाएं बहुत सारे फोन, ₹2500 का, ठीक है जी। इस तरीके का है, ऑलमोस्ट सारे कर दिए हमने वाले, सारे स्कैन कर दिए, तभी तो छोटा बॉक्स फाड़ा था, बड़े में पूरा स्कैन करके दिखा नहीं पाते ना, सही बात है ना, आपको ग्रेड का अंदाजा लग पाता ना माल का। अब इसके आपने ऑलमोस्ट सारे दिखा दिए हैं, सारे दिखा दिए, ठीक है। ये देखो ये भी ऑन हो गया फोन है, डिस्प्ले ओरिजिनल है, देख रहे हो, ठीक है जी। और भी देखो, ये भी पिक्सल 4 भी ऑन हो गया, तो देख लो जो ऑन कर दिए वो ऑन हो चुके हैं, मतलब कुछ हो रहे हैं, कुछ ऑन कर दिए हैं, जैसे कि ये शायद करा था, नहीं ये करा, ठीक है। अच्छा ये बताओ भाई, अब इन पे क्या डिस्काउंट वगैरह दे रहे हो आप, थोड़ा सा समझाओ। वो तो भाई आप जैसे माल लोगे, ऑफिस आओगे, तो आपको सब चीज बता दी जाएगी, क्योंकि सबकी एक जैसी डील नहीं रहती ना, सबकी अलग अलग क्वांटिटी है, सबका सेम क्वांटिटी है नहीं, तो जिस हिसाब की आपकी क्वांटिटी होगी उस हिसाब से आपको बेस्ट डील लेने की पूरी कोशिश करिए कि बेस्ट डील मिलेगी आपको। अच्छा, अब ये बताओ, ये भी ऑन हो गया, ये भी ऑन हो गया, ठीक है। अच्छा जो ये बताओ, जो सिंगल पीस लेने वाले उनको दोगे या नहीं दोगे? सिंगल पीस नहीं, मिनिमम 5 पीस, अगर आप कुरियर लगवाते हो तो कम से कम आपको 10 पीस लेने पड़ेंगे, कम से कम कुरियर 10 पीस से कम का लगेगा। अगर आप ऑफिस भी आ रहे हो तो वैसे तो 5 पीस लेने के लिए कोई आएगा नहीं इतनी दूर से,
तो नहीं, कुछ लोग आते हैं ना कि सिंगल चाहिए भैया, सिंगल दे दो। सिंगल पीस नहीं मिलेगा यहाँ पे, नहीं दोगे आप? सिंगल बिल्कुल मना है, ये सिर्फ दुकानदारों के लिए और होलसेलर बंदों के लिए वीडियो है जो बल्क में माल चाहते हैं। अच्छा, तो और जो ये रेट है सारे होलसेल रेट है, सिंगल पीस वालों के लिए है? फ्लिपकार्ट के ओरिजिनल रेट है, ओरिजिनल रेट है भाई साहब। तो ये उन लोगों के लिए पूरी लिस्ट की लिस्ट शेयर कर दी मैंने। हाँ भाई बताओ। तो ये दोस्तों जिनको छोटे मॉडल चाहिए आपको छोटे भी मिल जाएंगे, बड़े चाहिए तो बड़े भी मिल जाएंगे, क्वांटिटी भी कम थी और ये पेटी उन्हीं के लिए खोली है जिनको छोटे मॉडल की डिमांड ज्यादा होती है। जैसे कि आप इसमें रेट भी देख सकते हो, 2500 रुपए का M21 रेट बहुत सस्ते हैं, मतलब कम रेट के निकले हैं। आराम से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। और जिन भाई को अभी लॉस, किसी से भी लॉस हुआ है या कुछ भी हुआ है, तो वो आप काम स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि पहली बात फ्लिपकार्ट ने रेट भी डाउन कर दिया और दूसरा मैंने आपको इतने सारे मॉडल स्कैन करके दिखाए और ऑन भी करके दिखाए, काफी अच्छा माल निकल रहा है इस टाइम पहले से। सही बात, तो आपको लॉस कवर हो जाएगा अगर आप काम स्टार्ट करते हो तो इस टाइम। ठीक है जी, तो इस टाइम पे माल वाल अच्छा निकल रहा है। ठीक है जी, और जैसे कई लोग कह रहे थे भाई मैं गांव से हूँ तो मेरे वहाँ पे छोटे मॉडल चाहिए, तो इसलिए भाई ने छोटे मॉडल ही खोले, छोटे मॉडल, बड़े भी मॉडल यहाँ पे रखे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। बाकी आप लोगों के लिए स्पेशल छोटे खोल के दिखाएं कि क्या प्राइस वगैरह निकल रहा है। बड़े मॉडल तो हर वीडियो में आपको खोल के दिखाते हैं, पिछली हमारी कोई भी वीडियो देख लो उसमें ज्यादातर आपको बड़े मॉडल ही मिलेंगे। सही बात, इसलिए हमने छोटे मॉडल खोले हैं इस वीडियो में, दिखा दिया आप लोगों को। ठीक है, अच्छा भाई थोड़ा सा लैपटॉप की तरफ चलते हैं, क्या प्राइस वगैरह निकलता है थोड़ा सा बताओगे? ये आपको फ्लिपकार्ट के रेटों से मिल जाएंगे, ये भी एक अंदाजा। अगर स्टार्टिंग की बात करूँ तो लैपटॉप कितने से स्टार्ट होता है? i3 आपका ये 6000 के आसपास का होगा, ये 6000 रुपए के आसपास। हाँ, है हाँ, ठीक है। और ये 8400 के आसपास होगा, Ryzen 3 है, Ryzen 3। हाँ, ये 8400 रुपए के आप देख भी सकते हो। तो ये भी होलसेल दोगे या सिंगल दे दोगे? नहीं सिंगल नहीं, ये जिनकी रिपेयरिंग है वही भाई इसमें हाथ डालें, क्योंकि इसमें रिपेयरिंग वाले भी निकलते हैं, छोटे मोटे निकल जाते हैं रिपेयरिंग वाले। ठीक है जी, बाकी एड्रेस वगैरह सब इसका स्टॉक लिमिटेड है, जिन्हें भी चाहिए वो जल्दी कॉन्टेक्ट करके ले लें वरना ये सोल्ड हो जाएगा, थोड़ा ही बचा है अभी। लैपटॉप? हाँ लैपटॉप लिमिटेड स्टॉक बचा, एक ही बॉक्स रखा जैसे कि दो बॉक्स है, वो दो ही दो बचे आपने। हाँ, और बाकी बिक भी गया पहले। अच्छा बिक भी गया, तो डिलीवरी वगैरह ये भी करा दोगे ना? हाँ डिलीवरी ये भी, वैसे तो आप लैपटॉप लेने आ रहे हो तो ऑफिस आके विजिट करें, चेक करके तसल्ली से ले जाओ आराम से। चलो जी, बाकी वीडियो को यहीं तक रखते हैं, एड्रेस वगैरह सब मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नंबर स्क्रीन पे, कभी भी अगर आपको कुरियर लगवाने तो कुरियर फैसिलिटी भी अवेलेबल है आपके लिए, कुरियर भी हो जाएगा, मतलब हो जाएगा ना। हाँ, आपको कहीं भी कुरियर लगवाना है आप कुरियर लगवा सकते हो, सारा काम वीडियो कॉल पे होगा, आपके सामने वीडियो कॉल करी जाएगी, पहले आपके सामने सील दिखाई जाएगी, सबसे पहला काम यही होगा हमारे पास, बॉक्स का आपको सील दिखाई जाएगी कि प्रॉपर जैसे फ्लिपकार्ट से आता है एज इट इज बॉक्स है, उसके बाद आपके सामने वीडियो कॉल पे खोला जाएगा, उसके बाद एक एक मॉडल जैसे इसमें स्कैन करा है हमने, सारे मॉडलों के रेट बताए जाएंगे एक एक स्कैन करके, सारी चीजें ऐसे वीडियो कॉल पे होने वाली है, सेम डिटो। और पैकिंग वाले टाइम भी आपको वीडियो कॉल करी जाएगी, पहले आपके मॉडल मैच कराए जाएंगे, उसके बाद आपको काउंट कराए जाएंगे और फिर उसके बाद आपके सामने पूरा माल पैक होगा वीडियो कॉल पे। ठीक है, अगर भाई वीडियो कॉल पे विश्वास नहीं है आप आ जाओ यहाँ पे विजिट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम यही कहेंगे अगर आपके हमसे फर्स्ट डीलिंग हो तो आप एक बार ऑफिस आके जरूर विजिट करें, जरूर विजिट करो, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा भाई का नेचर भी पता लगेगा और डील करने का तरीका भी, आप जो भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे वो फोन पे नहीं क्लियर हो पाते, आप ऑफिस आके माल देखोगे, कस्टमरों का बिलिंग हो रही होगी तो उससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो जी, बाकी वीडियो को यहीं तक रखते हैं, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो, जब तक लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।